जिससे कि कोई भी काम है, कोई भी चीज है, तो हम उस पर चारों तरफ से उसके लिए प्रयास करेंगे, तभी हम सफलता तक पहुंच सकते हैं। बहनों भाइयों, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की भर्ती के बारे में महेश जी ने बताया। आज देश का पहला राज्य जहां पर 500 विद्यालय, जहां पर हमारी वर्चुअल क्लासेस शुरू हुई हैं। ये कोविड के कारण आप लोग उसका कोविड के कारण दिक्कतें हुई हैं, लेकिन 500 स्कूल आज हम चाहे तो देहरादून से 500 स्कूलों में एक साथ एक अध्यापक पढ़ा सकता है, एक अध्यापक 500 स्कूलों में एक साथ पढ़ा सकता है। और 600 विद्यालय हमने और कर दिए हैं, यानी कि इस साल के आखिर तक 1100 स्कूलों में हमारे कंप्यूटर होंगे, हमारी वर्चुअल क्लास होंगी। ये हमने इसकी शुरुआत की है। और सबसे बड़ा जो चेंज किया है कि हमने एनसीईआरटी की किताबें आगे, और उसके कारण शिक्षक भी वहां पर 2-3 होते हैं। मैं चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल में भी हमारे 5 शिक्षक कम से कम होने चाहिए, कोई क्लास खाली नहीं रहनी चाहिए, कोई क्लास खाली नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को शैतानी करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। बच्चा क्या करेगा अगर उसको कोई पढ़ाएगा नहीं, तो खेलेगा, कूदेगा, एक दूसरे को चोटी मारेगा और क्या करेगा, यही करेगा। बच्चा तो बच्चा है, बालक बंदर एक समाना बोलते हैं। तो हम हर स्कूल में हम चाहते हैं 5 अध्यापक दें, और 5 अध्यापक दें तो हमारी कोशिश ये है कि हम स्कूलों को, कुछ स्कूलों को इकट्ठा कर दें जो आसपास के स्कूल है, और उन बच्चों को हम गाड़ी से स्कूल तक पहुंचाने का काम करें। बच्चा पैदल ना जाए, माँ की साथ में जाने की जरूरत न पड़े। हम बसों के द्वारा, छोटी गाड़ियों के द्वारा, हमारी उसमें कोशिश कर रहा हूं कि इस बार में उसकी शुरुआत कर दूं, कि बच्चे हमारे, जो बच्चे जाते रास्ते में थक जाते हैं, कई बार क्लास में सोने लगते हैं, घर में आते थक के आते फिर घर में आके सो जाते हैं। बच्चे की एनर्जी ये रास्ते में दौड़ने भागने की बजाय पढ़ाई में लगे, बच्चे का एनर्जी ये पढ़ाई करने में लगे, इस सोच के साथ हम आगे कुछ कदम उठाने वाले हैं। मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारा एक एक बच्चा, उसका एक एक मिनट उसकी पढ़ाई में लगे, उसके अपने जीवन को संवारने में उसका लगे। ये मेरी कोशिश है, और मैं शिक्षा के क्षेत्र